नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आप लोगों को रेस्टोरेंट जैसा चिकन बनाना सिखाते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अदरक, प्याज को मैंने 4 भागों में काट लिया है। इसके साथ कुछ सूखे मसालों की भी ज़रूरत है, इसका अनुपात मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल को डालेंगे, इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, एक दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, साथ में 2-3 तेज पत्ते को भी डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ मैंने कटे हुए प्याज को डाल दिया है। अब हम इसे तेज आंच में अच्छी तरह से भूनेंगे। चलिए, जब तक मेरे प्याज लाल हो रही है तब तक मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ, अदरक, लहसुन और गरम मसाले को। आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन इसे हमें अभी और भूनना है। तेज आंच में इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। देखिए, कलर चेंज हो गया है। अगर मेरे चैलेंज आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम कटे हुए चिकन को एक एक करके डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, चिकन थोड़े भुजे जा चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और गरम मसाले के पेस्ट को डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सूखे मसालों को मिलाते जाएंगे। ये रहे पोस्ते के दाने, इसे देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने फिर नमक मिलाया है, फिर हल्दी पाउडर है, इसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर को भी मैंने डाला है। सभी मसालों को मिलाने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से ढक ढक कर पकाएंगे, ताकि मेरे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें चिकन मसाले के एक पैकेट को डालेंगे। ये 5 रुपए में आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, मेरे मसाले भुजे जा चुके हैं, इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। इस तरह की रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर बनाएं। देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है, और आपकी चिकन कैसे बनी है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब ये खाने के लिए तैयार है। इसे टेस्ट कीजिए और खाने का आनंद लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।